हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अपनी क्लास 8 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक बुक में से। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। इस ईयर न्यू बुक के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम सम्स चेंज हो गए, पूरी एक्सरसाइज चेंज नहीं हुई, कुछ सम्स एड ऑन हुए हैं। जैसे हमारी हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है मल्टीपल चॉइस टाइप, एंड जैसे मैंने ऑलरेडी 11A बनाई हुई है, उसमें क्या है, जब हमने आप 11A वो ओपन करेंगे हमारी, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी न्यू बुक में अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारी ओल्ड बुक में था क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्वेश्चन सारे वही सेम है, बस थोड़ा नंबरिंग चेंज हो गई है, और हम सारे वो न्यू क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी न्यू बुक में ऐड ऑन हुए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 11A क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। एंड इससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11A मल्टीपल चॉइस टाइप। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ दिस, देन ये सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, इसका सम फाइंड करना है। और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। देन अब सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करना है, आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखना है, कोमा की प्लेस पे आपको लगा देना है प्लस का साइन, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। सम मीन्स ऐड करना है आपको, एंड की प्लेस पे भी आपको प्लस का ही साइन लगाना है, और अपनी थर्ड एक्सप्रेशन भी लिख देनी है। अब हमें लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। यहाँ पे ए है, देन यहाँ पे भी हमारे पास ए है, तो हम ये भी लिख देते हैं, देन माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। अब हम लिख देते हैं बी सी प्लस, यहाँ पे भी हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास था ए बी, इसको लिख देते हैं ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी देन बी सी था, तो पहले हम लिख देते हैं ए बी देन बी सी प्लस सी ए। हमने अपनी सारी टर्म्स को क्या कर लिया, अरेंज, प्लस माइनस माइनस, ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0, तो आपको 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, सीधा इसको कैंसिल कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस 1 सी माइनस सी 0। देन अब ये नंबर्स तो कैंसिल नहीं हो रहे, आपको पता है अलजेब्रा में हमेशा हम लाइक टर्म्स को ही प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। देन हमारा आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि इनमें से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। ए बी और इसमें डिफरेंट वेरिएबल आ गया बी के साथ सी, और इसमें सी के साथ ए, ये लाइक वेरिएबल्स नहीं है। जैसे ए बी प्लस ए बी हो, देन हम उसको ऐड करके 2AB लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा ऑप्शन है सी, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमारे पास 1, 2, 3 एक्सप्रेशन दिए, ऑलरेडी प्लस का साइन, इट मीन्स हमें 3 एक्सप्रेशन को क्या करना है, ऐड। तो हम अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, अब मैंने ब्रैकेट को हटा दिया है, प्लस, देन ये भी देखिए, अब ब्रैकेट आप हटा भी रहे हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं आया, क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन है, अगर नेगेटिव साइन होता तो आपकी ब्रैकेट के सारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे प्लस 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 ही रहा, प्लस 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 माइनस माइनस, तो नो चेंज। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन को कोई चेंज नहीं करना। देन लाइक टर्म्स अरेंज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है एक्स क्यूब, हमारे पास अगेन एक क्यूब वाली टर्म है, उसको लिख देते हैं। देन दोनों क्यूब्स वाली टर्म हमने लिख ली, 5x2 देन 3x2, ये भी लिख दिया हमने, देन 5x-x, पहले सारी x वाली टर्म्स, देन लास्ट में लिखेंगे हम नंबर्स। तो ऑर्डर आपने क्या रखना होता है, जब भी हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर पहले, देन उससे छोटी पावर, देन लास्ट में आएंगे आपके नंबर्स। अब ये 1 है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं, मीन्स 1, ये लाइक टर्म्स होती हैं, एक्स क्यूब एज इट इज ही रहेगा, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनके आगे वाले नंबर्स ऐड होते हैं ओनली। तो 2 प्लस 1 3, तो आपको लिख देना है 3, एक्स क्यूब एज इट इज,
पावर्स को ऐड नहीं करना, यहाँ भी एडिशन हो रही है तो सिर्फ नंबर्स को ऐड करना होता है, वेरिएबल एज इट इज़ लिखने हैं लाइक वेरिएबल्स। माइनस प्लस माइनस, 5 - 3 = 2, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं साइन आता है ग्रेटर डिजिट का। देन अगेन प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए, 4x, 5 बड़े हैं तो पॉजिटिव साइन, प्लस प्लस दोनों ही पॉजिटिव हैं, 7 + 7 आपके पास आ गया 14। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक और नंबर था 7, 7 लिख लिया, ये 2 मिस हो गया हमारा, 2 भी लिख देते हैं। देन एक नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये सारे नंबर तो एज इट इज आ गए, प्लस माइनस माइनस, 14 - 2 = 12। अब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 3x³ - 2x² + 4x + 12, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है ये। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिए अगेन हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं और हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिख दी और ब्रैकेट भी अपनी रिमूव कर दी। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है तो आपके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस, देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, साइन होते हैं मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस, 3x माइनस प्लस माइनस 5, लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं, x³, यहाँ पे हमारे पास है 4x³ - 5x² - 6x² + 3x - 3x + 2 - 5। देन 4 + 1, इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1, इट मीन्स 4 + 1 5x³ - - प्लस 5 + 6 = 11, x² साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, प्लस माइनस माइनस, 3x - 3x 0, तो 0 मीन्स आप इनको सीधा कैंसिल कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 - 2 = 3, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, हमारा आंसर आ गया 5x³ - 11x² - 3। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपने साइन का भी ध्यान देना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए ध्यान से ब्रैकेट को ओपन करने है, माइनस, इसके अंदर पी पॉजिटिव है तो पी बन गया नेगेटिव, क्यू नेगेटिव है तो बन गया पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, माइनस क्यू एज इट इज। अब ये साइन भी ओपन होगा, बाहर है ब्रैकेट के माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लाइक टर्म्स को अरेंज सीधा कट सकता है, पहले प्लस माइनस माइनस, पी माइनस पी 0, तो कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस माइनस, क्यू माइनस क्यू 0, हमारे पास क्या बचा, माइनस क्यू प्लस पी। तो हम पी को पहले भी लिख सकते हैं, पी पॉजिटिव है तो हम लिख देते हैं पी माइनस क्यू, ये आ गया हमारा आंसर। हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा हमारा आंसर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है आपका आंसर, दैट इज पी माइनस क्यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है जिसको प्लस माइनस का साइन भी लगाया सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये एज इट इज रहा, माइनस प्लस माइनस, जब भी बाहर माइनस है आपके साइन चेंज होने हैं। देखिए आपका सी ए पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया, बी सी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देन सी ए एज इट इज प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जब आपके पास ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते, जैसे सी ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा, ए बी नेगेटिव था तो नेगेटिव रहा। अब हम लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर ए बी है एंड एक ए बी यहाँ पे है तो उसको आगे लिख दिया, माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। अब देखिए आपको पता है लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, ए बी माइनस ए बी 0, तो हम सीधा कैंसिल करेंगे, अगेन माइनस प्लस माइनस, बी सी माइनस बी सी 0, सी ए माइनस सी ए 0, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आया, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी है 0, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब हमने एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 से वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका भी लिंक आपको साथ में शेयर कर दूंगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी एक्सरसाइज को ईजिली फाइंड करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।